देखो हॉस्टल में फर्स्ट ईयर आता है हनीमून पीरियड की तरह, एक्साइटमेंट से भरपूर। सेकंड ईयर में बच्चे जूनियर्स आ जाते हैं तो मन लगा रहता है, लेकिन थर्ड ईयर में आता है हॉस्टल का मिड लाइफ क्राइसिस। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, इंसान मरने से पहले छटपटाता है, बिल्कुल उसी तरह इंजीनियर थर्ड ईयर में आके कुल बुलाता है अपनी हॉस्टल लाइफ में कोई नया एक्सपेरिमेंट ढूंढने को, कोई इश्क में कंपैशन ढूंढने में लग जाता है तो कोई लाइफ में पैशन, किसी को पहली बार पढ़ाई का चस्का लगता है तो किसी को नेतागिरी का ठसका। अब कौन अपने एक्सपेरिमेंट में कितना सीरियस है ये तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है, पर अपने इंजीनियरिंग को लेकर ये कितने सीरियस है कि मैं आपको बताता हूं। अरे सुना सबने, इस साल मास रिक्रूटर नहीं आएगा। डैडी को हाँ बोल दो, मैं घर की माई बनने के लिए रेडी हूँ। हेलो बाप, आपके बहरे पर इलाज अब कभी नहीं हो पाएगा। हेलो डॉक्टर बलदीप चड्ढा, मार्केट में 3 लीटर स्पून का रेट क्या है? हाँ, और भैया को बोलो कि दीदी बनके थाईलैंड चली जाए। हेलो, आप टीवीएम से बोल रहे हैं? हेलो, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है बाप? अगर इंजीनियर नहीं बनाना तो कैंपस से तेरी मां तो चौंक के निकलूंगा। अरे भाई मजाक कर रहा था, रिक्रूटर आने वाला है, आने वाला है। मजाक कर रहे थे? आई एम सॉरी सर, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। आ रही है गाइस, कब भी आ रही है कैसे।